नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विद मिश्रा क्लासेस में। आज का जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और ये जो टॉपिक है इनकम टैक्स से रिलेटेड है दोस्तों, और इसका नाम है पैन कार्ड। देखिए अधिकतर दोस्तों आजकल जो चल रहा है वो पैन कार्ड चल रहा है मार्केट में, लेकिन पैन कार्ड क्या होता है और उसके अंदर क्या एलिजिबिलिटी चाहिए आपको फिलअप करने के लिए, तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो ये जो क्लास है फुल्ली इनकम टैक्स से रिलेटेड है, और पैन कार्ड भी इनकम टैक्स इंस्ट्रूमेंट का एक पार्ट है। तो चलिए दोस्तों पैन कार्ड की तरफ बढ़ते हैं। देखिए पैन कार्ड की जो फुल फॉर्म है, पैन की जो फुल फॉर्म है परमानेंट अकाउंट नंबर, जो भी आप पैन कार्ड कहते हैं तो पैन का जो फुल फॉर्म है यही है, परमानेंट अकाउंट नंबर, यही दोस्तों इसकी फुल फॉर्म है। अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स के अगर अकॉर्डिंग बात की जाए तो पैन कार्ड आपका जो होता है 10 नंबर का होता है, और ये यूनिक होता है। ऐसा नहीं कि अगर दो पैन कार्ड हैं तो दोनों की सेम आइडेंटिफिकेशन होगी, यूनिक होगी आईडीज, ऐसा नहीं। अलग अलग आईडीज होती हैं उनमें, और पैन कार्ड का जो बनावट होता है इस तरह होता है कि 10 नंबर का डिजिट्स होते हैं उसमें। स्टार्टिंग के जो 5 डिजिट्स होंगे, जो 5 वर्ड जो होंगे उसके, वो अल्फाबेट होंगे। बाद में उसके बाद फर्स्ट तो पोर्शन ये रहेगा, सेकंड पोर्शन में जो होगा 4 जो वर्ड्स रहेंगे, जो डिजिट्स रहेंगे वो आपके नंबर्स रहेंगे, और लास्ट का जो एलिमेंट रहेगा वो आपका अल्फाबेट्स। यानी कि स्टार्टिंग है 5 अल्फाबेट्स के, और उसके बाद फिर 4 नंबर्स, उसके बाद फिर एक आखिरी का अल्फाबेट। इस तरह आपका पोर्शन होता है पैन कार्ड का बनावट, जो आपका डिजाइनेशन होता है। अब दोस्तों बात ये आती है कि पैन कार्ड अप्लाई कैसे करें, उसकी साइट्स क्या है। देखिए पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए बहुत सिंपल सा है, आप NSDL और UTI TSL, ये 2 वेबसाइट्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जिसके अंदर आप फिलअप करके वहां पर आप जाकर के पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। चलिए और जानते हैं पैन कार्ड के बारे में। देखिए पैन कार्ड जो है मैंने बताया आपको इनकम टैक्स के अंदर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, लेकिन बात ये आती है कि पैन कार्ड किन किन चीज़ों का बनता है। देखिए पैन कार्ड जो बनता है वो इंडियन सिटीजन का भी बनता है, और NRI जो बाहर की जो कंपनीज होती है और बाहर से कोई पर्सन आता है फॉरनर्स, उनका भी पैन कार्ड बनता है इंडिया में। तो देखिए इंडिया में अगर कोई भी कंपनी होगी, NGO होगा, कोई पार्टनरशिप फर्म होगी, या लोकल कोई कम्युनिटीज या कोई कंपनीज छोटी मोटी NGOs होगी, उसका भी पैन कार्ड बनता है दोस्तों। और उसका जो सेक्शन होता है उसका बनने का 49A, यानी कि कोई अगर नॉर्मल जो इंडिविजुअल होगा, HUF होगा या कोई NGO होगा, उसका जो सेक्शन है इसको ध्यान रखिएगा, 49A सेक्शन है जिसके तहत आपका पैन कार्ड बनता है, चाहे कोई NGO का हो, पार्टनरशिप का हो, कंपनीज का हो, वो भी कौन सी कंपनी, डोमेस्टिक्स, जो भी आपका इंडियन सिटीजन का होगा। अब बात करते हैं फॉरनर्स, कोई अगर फॉरनर्स होगा और कोई फॉरनर्स कंपनी होगी, उसका पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए उसका सेक्शन होता है 49AA। ये दोस्तों सेक्शन है 49AA, जिसके अंदर आपको कोई फॉरनर्स हो या फिर कोई फॉरनर कंपनी हो, उसका पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं इस सेक्शन के अकॉर्डिंगली। और जो आपका जो लिमिट होता है कि अगर आपको ये पैन कार्ड अप्लाई करें, लगभग उसमें 2 वीक्स लगते हैं, यानी 14 दिन लगते हैं, उसके बाद प्रोसेसिंग के बाद वो डिस्पैच होकर आपके पास आ जाएगा, इतनी ड्यूरेशन लगती है दोस्तों। देखिए पैन कार्ड क्यों इंपॉर्टेंट है आजकल की लाइफ में अगर देखा जाए तो, इसकी बहुत ज़्यादा नेसेसरी पड़ती है। देखिए कहाँ कहाँ यूज़ होता है, आपने देखा होगा बैंक में अगर हम 50,000 से ऊपर जमा करें तो फिर पैन कार्ड लगता है। ऐसा नहीं कि वहाँ पर ही लगता है, कई जगह लगता है। अगर आप कोई सेल करते हैं कोई प्रॉपर्टीज, उसकी वैल्यू जो होती है 5 लाख से ऊपर होती है, तो वहाँ पर भी आपको पैन कार्ड देना पड़ेगा। अगर आप कोई व्हीकल खरीदते हैं, अगर वो 2 पहिए के अलावा अगर 4 पहिए की होती है, तो उसमें 2 पहिए का जो है एग्जम्पशन दे रखा है आपको। बाकी अगर कोई भी ट्रक ठेला जो भी खरीदेंगे आप, तो उसमें आपको पैन कार्ड लगेगा। अगर आप कोई भी होटल से रेस्टोरेंट्स में आप 25,000 से ऊपर पेमेंट्स करते हैं, उसमें भी आपको पैन कार्ड देना पड़ेगा। अगर कहीं पर भी आप ट्रैवलिंग करते हैं और उसकी जो वैल्यू है 25,000, 25,000 से ऊपर होता है, तो वहाँ पर पैन कार्ड देना पड़ेगा दोस्तों। और अगर कहीं पर भी बैंक में 50,000 से ऊपर जमा करें, ये तो आपका नॉर्मल ही है। अगर कोई भी बॉन्ड, बॉन्ड जो होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है, अगर वो 50,000 से ऊपर की वैल्यू अगर बाय करते हैं गवर्नमेंट से या उससे ऊपर, तो वहाँ पर पैन कार्ड लगेगा दोस्तों। और अगर कोई शेयर खरीदते हैं आप, चाहे प्रेफरेंस शेयर या इक्विटी शेयर खरीदते हैं, अगर 50,000, 50,000 से ऊपर, उसमें भी आपको लगेगा। इंश्योरेंस पॉलिसी अगर 50,000 से ऊपर होगी, तो वहाँ पर पैन कार्ड लगेगा। देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें पैन कार्ड लगता है। अगर कोई ज्वेलरीज खरीदते हैं 5 लाख से ऊपर, उसमें भी लगेगा। देखिए कितने ज़्यादा दोस्तों लग रहे हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर पैन कार्ड आपके पास नहीं है तो फिर क्या होगा। पैन कार्ड अगर आपके पास नहीं है और अगर आप एक टैक्स प्लानर, यानी आप क्या करें, प्रैक्टिशनर हैं, आप टैक्स पे करने वाले पर्सन हैं, तो आपको 30% सीधे आपको टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा, अगर अपनी अर्निंग पे, अपनी वेल्थ पे। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो जो भी आपकी इनकम का सोर्स होगा उस पर सीधे डायरेक्ट 30% लगेगा, अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है।
तो अगर पैन कार्ड होगा तो वो स्लैब के अकॉर्डिंग लगेगा, और स्लैब क्या है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं आपको। अगर आप कोई व्हीकल्स खरीदते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टीज खरीदते हैं, कोई भी लैंड बिल्डिंग खरीदते हैं 10 लाख से ऊपर, उसमें भी पैन कार्ड लगता है। अगर नहीं बनवाते तो फिर उसमें क्या होगा कि भैया बैंक का खाता खुलाओ, फिर कई सारे अदर लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं, इतने सारी चीज़ें से बचने के लिए तो आप पैन कार्ड ही बनवा लीजिए, ज़्यादा बेहतर है मेरे हिसाब से। तो इसलिए पैन कार्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, पैन कार्ड और आधार कार्ड दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। पैन कार्ड एक यूनिक और एक इनकम टैक्स से रिलेटेड एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन है और एक इम्पॉर्टेंट कार्ड है, और आधार कार्ड जो है एक आइडेंटिटी प्रूफ है। ऐसा नहीं पैन कार्ड भी आइडेंटिटी प्रूफ है, लेकिन जो पैन कार्ड है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द रिजर्वेशन, फॉर द आकलन करने के लिए, फॉर द कहते हैं कंट्री के टैक्स प्लानर को जानने के लिए कि कितना उसका टैक्स का अमाउंट है, कितना उसकी अर्निंग है। ये किससे जानेंगे? पैन कार्ड से। और आजकल गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा स्मार्टली वर्किंग कर रही है, आजकल पैन कार्ड को आधार कार्ड से कनेक्ट करके आपकी मनी का सोर्स जान लेती है। इसलिए दोस्तों पैन कार्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप आधार कार्ड लगाएं या पैन कार्ड लगाएं, गवर्नमेंट को आपकी अर्निंग, आपके अकाउंट सब कुछ समझ में आ जाएगा, डिटेल सारी निकाल लेगी पैन कार्ड से। तो इसलिए दोस्तों बहुत ज़्यादा पैन कार्ड इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको समझ में आया होगा।